दोस्तों सबसे पहले एक अपील, हर वीडियो में YouTube ने मुझे थैंक्स का ऑप्शन दिया है। इसके जरिए आप कम से कम या ज्यादा से ज्यादा जितना भी आर्थिक तौर पर मेरे चैनल में मुझे सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं। क्या दिन आ गए कंगना रनौत के, जो काम बाकी एक्ट्रेस आराम से करती हैं वो कंगना रनौत भी करती हैं तो उन्हें ट्रोल कर दिया जाता है। दोस्तों ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कंगना रनौत अब आखिरकार आधिकारिक तौर पर ये स्वीकार कर चुकी हैं कि हाँ वो लोकसभा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बात करने पर कंगना रनौत ने खुद ये बात स्वीकारी कि भगवान श्री कृष्ण की मर्जी होगी, उनकी इच्छा होगी तो वो चुनाव लड़ने को तैयार है। हालांकि कंगना चुनाव लड़ने की बात इससे पहले भी कबूल कर चुकी हैं, लेकिन कंगना के करियर का जो हाल है उसके बाद सभी स्वीकार कर ही रहे थे कि कंगना के पास राजनीति में जाने के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं है। लेकिन इस बीच कंगना ने एक रील बनाई और रील बनाने के बाद उन्हें जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया गया। एक दो नहीं, कई लोगों ने देखी उनकी रील में इस तरह के कमेंट्स किए कि अब फिल्में चल नहीं रही तो रील बनाने के अलावा कंगना के पास कोई विकल्प नहीं है, या फ्लॉप फिल्मों से कंगना इतनी परेशान है कि वो आखिरकार रील बनाने को मजबूर है। दोस्तों इस रील में कंगना की वीडियो में कंगना काफी रिलैक्स दिखी और मुगले आजम का गाना है मोहे पनघट में नंदलाल छेड़ गयो रे, वो गाना चल रहा था। अच्छी खासी सुंदर रील थी, कंगना लग भी अच्छी रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने उनको इतना ट्रोल कर दिया कि फिल्में चल नहीं रही हैं, रील बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, फिल्म अच्छी बना नहीं पा रही हो, रील तो बना लो। जबकि आजकल तो बॉलीवुड की सारी एक्ट्रेस रील बना रही हैं, दीपिका पादुकोण से लेकर जाह्नवी कपूर तक सब मतलब खूब रील बनाती हैं और लोग उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन जो काम बाकी एक्ट्रेस करती हैं वो कंगना करती हैं तो कंगना ट्रोल हो जाती हैं, लोग उनकी आलोचना करते रहते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्यों आखिर छोटी सी चीज को लेकर भी कंगना को इतना ट्रोल किया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।